हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष एक छोटे लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप सभी अवगत होंगे कि जनवरी 2022 में चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जाने वाली चुनाव खर्च की राशि को बढ़ा दिया गया। जो राशि अलग अलग राज्य क्षेत्रों में छोटे और बड़े क्षेत्रों के आधार पर निर्धारित थी, वह पहले राशि जो थी वह लोकसभा क्षेत्र के लिए बड़े क्षेत्र में 70 लाख थी, छोटे क्षेत्रों में 54 लाख थी। विधानसभा चुनाव के लिए बड़े राज्यों में 28 लाख थी और छोटे राज्यों या छोटे क्षेत्रों में 20 लाख रुपए थी। अब इसमें काफ़ी वृद्धि की गई है और लगभग कहें तो 1.5 गुने की वृद्धि की गई है। जैसे लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए जो राशि बड़े क्षेत्र में, बड़े लोकसभा क्षेत्र के लिए जो पहले राशि 70 लाख थी, अब उसे बढ़ाकर 95 लाख रुपये, और छोटे लोकसभा क्षेत्रों के लिए जो राशि पहले 54 लाख रुपए निर्धारित थी वह अब 75 लाख रुपए कर दिया गया है। और विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव के लिए जो पहले राशि निर्धारित थी 28 लाख रुपए बड़े राज्यों के लिए, उसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया, और 20 लाख रुपए जो छोटे क्षेत्रों के लिए निर्धारित था उसे बढ़ाकर 28 लाख रुपए कर दिया गया। और यह परिवर्तन जनवरी 2022 में किया गया। और यह निर्णय कौन करता है? तो यह चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो भले ही ये आपके लिए 3 महीने पुराने खबर हो, लेकिन आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं, बीपीएससी की परीक्षा है, सीडीपीओ की परीक्षा है, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा है, इसके अलावा आपके रेलवेज की कई सारी परीक्षाएं हैं, तो इन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद रख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।